करूं? अरे ये सिगरेट क्यों जला दी? मीना, वो क्या है कि आज सीने में कोई आग नहीं जल रही, इसलिए इस आग की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए ये सिगरेट जला दी। रहने दो, कोई समझेगा कि मेधा की सोबत का असर है। नहीं मेधा, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सोबत का तो असर ये है। इतना सुकून, इतनी तसल्ली, कितना इत्मीनान। ऐसा लग रहा है जैसे ये लम्हे पंख की तरह सहलाते हुए गुजर रहे हैं। ऐसे लम्हों पर अगर हमेशा हमेशा के लिए कब्जा किया जा सकता हो तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। क्या हुआ, किससे बातें कर रहे हो? किससे बातें करो? तुमसे बातें करो और किससे बातें करो? मुझसे? हाँ। मैं तो यहाँ थी ही नहीं। मेधा, तुमसे बातें करने के लिए तुम्हारा होना जरूरी नहीं है। मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा जी, आप मुझे पट्टी मत पढ़ाइए। पट्टी मत पढ़ाइए? देखिए मेधा जी, हम तो आपके साथ रोमांस करने की कोशिश कर रहे थे। रोमांस का लेबल लगाकर कल को तुम मुझसे कहोगे कि मेधा तुमसे शादी करने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है तो फिर मैं कहां जाऊं? नहीं, नहीं, नहीं। आप हमारी बात समझी नहीं। हम तो ये कह रहे थे कि हमारे रूहों की शादी बहुत पहले से हो चुकी, तभी तो आजकल हर वक्त आप ही का एहसास रहता है। ओ, मैं समझ गई। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते हो कि रात बहुत हो चुकी है मेधा जी, अब आप खिसकी, खाना बनाकर आप खिला चुकी है, बर्तन किचन में वापस चले गए हैं, तो अब आप मेरे घर में क्यों टहल रही है मेधा जी? अब जाइए। ओके, जा रही हूं। बाबा मेरा, क्या कर रही हो भाई? बैठो ना थोड़ी देर और प्लीज। रात बहुत हो गई है ना, जाना चाहिए। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, जाना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमारी जगह देवानंद साहब यहाँ बैठे होते और गुनगुनाकर आपसे ये कहते कि अभी न जाओ छोड़कर दिल अभी भरा नहीं, तो आप कम से कम एक हफ्ते तो जरूर रुक जाते। अब आपके होने वाले पति के कहने पर क्या एक घंटा नहीं रुक सकती? रुक जाओ ना। बड़ी बेतुकी बातें करने का मूड है तुम्हारा। हाँ मेरा, आज पता नहीं क्यों मेरा जी ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे बगल में बैठा रहूं और ढेर सारी बातें करूं। शायद उन बातों में तुम्हारा जिक्र ना हो, मेरा जिक्र ना हो, शायद उन बातों में कोई दुख ही ना हो, लेकिन आज मेरी बातों पर नाराज मत होना तुम, क्योंकि ऐसा साथ तो हर कसम हर वादा निभाने के बाद ही मिलता है, और ऐसा वक्त मोहब्बत हासिल हो जाने के बाद ही आता है। नहीं, क्या हुआ मेधा? अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी तरफ देखो तो सही, या फिर इस तरह नजरें झुकाकर तुम्हें ज्यादा सफाई से सुनाई देता है? मेधा मेधा प्लीज। क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा ये साथ मैंने कितने गम, कितने दर्द, कितने खौफ और कितने आंसुओं के बाद हासिल किया है। जब से हमारी मुलाकात हुई है हमारा ऐसा साथ पहले कभी नहीं हुआ। मतलब हम साथ थे, करीब थे, लेकिन आज वाली बात आज के पहले कभी नहीं थी। क्यों बाप, ऐसा क्या खास है आज वाली बात में? ऋषभ, आज मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत नहीं है, तुम मुझसे प्यार भी करते हो। पहली बार मेरे दिल ने तुम्हारे इस प्यार को छूकर एहसास किया है ऋषभ। ये थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू का मतलब होता है थैंक यू। एक मिनट मैडम, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मेरे मोहब्बत को छूकर उसका एहसास किया और मोहब्बत का सारा हिसाब किताब खत्म, अभी थैंक यू और गुड बाय? ए, तुम मुझसे शादी तो करोगी ना? अरे क्या हुआ, शादी करोगी कि नहीं? तो फिर इन बाहों में तुम्हारी डायरेक्ट एंट्री है।
कौन? लव यू। अरे हाय करण। हाय। ए, तुम्हारा चेहरा देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मेरे आने से तुम्हें खुशी हुई। हाँ बेशक। फिर ये खुशी हासिल करने के लिए तुम घर क्यों नहीं चले? वो क्या है कि